नमस्कार दोस्तों, आज आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी अपनी कास्ट से होगी या दूसरे की कास्ट की लड़की से शादी होगी, ये संभवतः हर एक की लाइफ में संभव नहीं है, और संभव तभी है जो इंसान अपनी मर्जी से करता है तो इस चीज को संभव भी कर लेता है। लेकिन अगर हम शादी की जब भी बात करते हैं, अच्छे शुक्र का होना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो लाइफ का प्रोस्पेक्ट अगर हम शादी की बात करते हैं तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो होता है अगर अच्छा होता है तो प्रेम संबंध अच्छा चलता है। लेकिन शुक्र को जब तक बृहस्पति जुपिटर गुरुदेव का साथ नहीं मिलता है, तब तक इस प्यार के संबंध में जो होते महा के अंजाम तक नहीं पहुंच पाता इंसान। लेकिन यदि शुक्र को मंगल प्रभावित करता है या मंगल दोष है, तो तब भी जो लाइफ चलती है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं मानी जाती है, और लाइफ में अनेक तरह की विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। यदि बृहस्पति जो होता है वो शुक्र को सपोर्ट करता है तो इंसान का जो लाइफ है ना वो काफी सुखमय माना जाता है। तो मैं इस वीडियो को बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज तक हमारा आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी अगली नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आइए अपने हाथों पर देखते हैं, क्या आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं अपनी कास्ट में या दूसरे की कास्ट में आप मैरिज करते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हर एक इंसान को अपने लाइफ के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। जीवन की सारी घटनाएं जीवन रेखा के ऊपर ही अंकित होती हैं। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारा माइंड कितने प्रॉपर काम कर रहा, कितने निपुणता से काम कर रहा, हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस चीज के बारे में बताते हैं हमारे ये मस्तिष्क रेखा। इसी तरह से ये हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा जो हमारी होती है वो हमारे मन की गहराइयों को, हम एक दूसरे के साथ कितना आकर्षण और कितना एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं, एक दूसरे से कितना अटैचमेंट होते हैं, उस चीज के बारे में हमारी हृदय रेखा बताती है। तो सबसे पहले हम आज हमने बात की है कि क्या आपकी शादी दूसरी कास्ट से होगी, तो उसका पहले सबसे हम चिन्ह देखते हैं। जैसे कि हमारी ये सूर्य की उंगली है जिसको हम सन के फिंगर बोलते हैं, और सन के फिंगर के नीचे ये रेखा, सूर्य की रेखा अगर हमारी इस हृदय रेखा के साथ मिलती है, अगर ये हमारी हृदय रेखा के साथ सूर्य की एक रेखा मिलती है, वो इंडिकेशन सूर्य वैसी तो अगर बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है, हर एक इंसान को मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। लेकिन अगर सूर्य की कई लाइनें भी हो तो इंसान को थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट करता है। लेकिन मैंने बात की है आज आपको कि क्या आपकी शादी दूसरे कास्ट से होगी, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर ये हमारी जो सूर्य की रेखा है, इस रेखा से अगर ये एक शाखा इसी की हमारी इस हृदय रेखा में मिलती है, इस चीज को संकेत बताती है। हमेशा रेखाएं एक दूसरे को संकेत बताती है, 100% श्योरता नहीं होती है किसी चीज के लिए, उसके लिए हमें एक दो इंडिकेशन और भी देखने पड़ते हैं। जबकि इस इंडिकेशन से हमें संभवतः ये पता लगता है कि इंसान जब भी शादी करेगा वो दूसरी कास्ट से शादी करेगा, ये उसका इंडिकेशन है। लेकिन उस इंडिकेशन को मनवाने के लिए और भी संकेत हम उसको देखते हैं। जैसे कि हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा और हमारी मस्तिष्क रेखा इस विषय पर काफी अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि अगर ये हमारी मस्तिष्क रेखा हमारी जीवन रेखा के साथ अटैचमेंट है, तो इंसान का जो मन होगा वो खुले विचारों वाला नहीं होगा,
वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी जीवन रेखा से उसकी हृदय मस्तिष्क रेखा से डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो इंसान अपनी बात को स्वतंत्र है, वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है, हर बात को अपने तरीके से करना चाहेगा और अपनी बात मनवाने के लिए वो बिल्कुल निश्चिंत है, जिसको कह लो कि वो खुले विचारों वाला है, स्वतंत्र है। तो इस संबंध में अगर हम बात देखते हैं तो इंसान क्या करता है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी कास्ट हो या दूसरे की कास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी बात को ही मनवा के रहता है। ऐसे में अगर ये चिन्ह पाया जाता है तो एक संकेत ये भी बताता है कि आप लाइफ में आप एक अपनी कास्ट से हटके दूसरी कास्ट से शादी आप करेंगे। दूसरा क्या है, अब एक इंडिकेशन इसी माउंट पे और देखते हैं। जैसे ये हमारा सन की, जैसे अभी हमने बताई एक रेखा है, सन की रेखा में अगर ये दूसरी रेखा ये हमारी हृदय रेखा से ए बी उसी के साथ अटैचमेंट होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इंसान शादी कर रहा है वो शादी जो होगी उसकी प्रेम संबंध, जिसको बोलते हैं प्रेम विवाह के तौर पे कर रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ना कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर रहा है, क्योंकि वो प्रेम जो कर रहा है वो दूसरे कास्ट से हटके कर रहा, दूसरी कास्ट में कर रहा, अपनी से नहीं कर रहा, वो दूसरी के कास्ट में कर रहा, क्योंकि इस चीज का संकेत प्रेम संबंध, वो अपने खुले विचारों वाला होकर वो अपनी बात मनवाने के लिए स्वतंत्र है, और ऐसे लक्षण है तो संभवतः हम कह सकते हैं कि उसकी शादी जो होगी प्रेम संबंध के तरीके से वो दूसरी कास्ट से शादी करेगा। इसी के साथ ये हमारी बुध की फिंगर है, इसको बुध की फिंगर बोलते हैं। बुध की फिंगर के साथ इसको हम बुध की रेखा, प्रणय रेखा, विवाह रेखा बोलते हैं। ये शादी के बंधन को बांधती है, लेकिन अगर यही शादी का एक इंडिकेशन, जैसे कि हमारे त्रिशूल का निशान बनता है, इसको हम त्रिशूल बोलते हैं। ये त्रिशूल का निशान हमारे बुध के, जिसको हम विवाह रेखा बोलते हैं, अगर इसमें एक इंडिकेशन बनता है, इस चीज के बारे में बताता है ये इंडिकेशन कि जो विवाह होगा वो दूसरी कास्ट से होगा और इंसान अपनी खुले विचारों वाला होकर वो अपनी बात को हर सिलसिले वार से मनवाने के लिए तत्पर रहेगा, चाहे वो लड़ाई झगड़े के बेस पे करे, चाहे वो अपनी किसी भी हद को उस लड़की से विवाह निश्चित रूप से करेगा। इस चीज का इंडिकेशन हमारी ये जो यहां पर त्रिशूल की रेखा हमारे प्रणय रेखा में मिलती है, तो इस चीज का भी संकेत देती है। एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमारी ये भाग रेखा है, भाग रेखा लाइफ में बहुत ज्यादा रोल निभाती है, उसको भी हम हस्त रेखा में या हमारे इस विवाह के साथ काफी कनेक्शन होता। सामुद्रिक शास्त्र में अगर हम इसकी भी जिक्र करते हैं, जैसे ये हमारा चंद्र का क्षेत्र है, इसको हम चंद्र का पर्वत करते हैं, इंसान की भावना जो उसके अंदर की कितनी इमोशनल पावर है उस चीज के बारे में बताती है। इंसान कब बहकता है, कब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, जब उसका मन एक अपने तरीके से काम करने लगता है, वो गंभीर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं। अगर इस हमारे चंद्र के माउंट से एक रेखा हमारी ये अगर हमारी एक रेखा इस हमारी भाग रेखा में मिलती है, चंद्र रेखा से निकलकर ये शाखा हमारी इस अगर भाग रेखा में मिलती है, ये इस चीज का संकेत बताती है कि इंसान जो शादी करेगा वो अपने खुले विचारों से करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा, ना कि पेरेंट्स की मर्जी से करेगा। हाँ, लेकिन अगर मिलते समय अगर यहां पे अगर कोई दीप होता है तो उसको उस शादी में या उस प्रेम संबंध के बंधने में, प्रणय सूत्र में बंधने के लिए उसको काफी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब भी दीप कहीं पे होता है
उसके गुणों को वो खत्म करता है, होने नहीं देता है, मतलब उसको बंधन में नहीं पकड़े देता है, अनेक तरह की विघ्न और बाधाएं आती हैं। इसी तरह से एक चिन्ह और हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपकी शादी हो रही है, शादी हमेशा खुले विचारों से होती है, अगर दूसरी कास्ट में इंसान शादी करता है तो, अगर ये हमारी भाग्य की रेखा है, भाग्य की रेखा अगर हमारी इस शुक्र के क्षेत्र से होकर, ये हमारी शुक्र के क्षेत्र से होते हुए जाके अपनी अपने प्रॉपर स्थान पे पहुंचती है, तो इस जो शादी का जरिया बना है, एज का अंतराल होगा। एज का अंतराल अगर लड़की की शादी मान लो उसकी 25 साल है, तो लड़के की मान लो 35 के करीब होगी। अगर लड़के की 35 है तो लड़की की अगर मान लो 35 है तो लड़के की जो होती है 35, तो लड़की का मतलब डिफरेंट 10 साल का होगा। इन दोनों के एज में हमेशा अंतराल रहेगा, क्योंकि वो खुले विचारों वाले होंगे और ऐसे प्रेम के संबंध में या शादी के संबंध सूत्र में बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।